ओके गाइस, यार ये वर्सेस यार खेलने वाले हैं अभी अपन। मैं ट्राई करूंगा आपको थोड़े से ट्रिक एंड ट्रिक्स बता पाऊँ इसके। ओके टीम मैच लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार गाइस, इसके लिए अपने को बेसिकली साउंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और मतलब साउंड बहुत की रोल करेगा इसमें आपका। ओके, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, स्कोपिन आप ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। Level 3 डालता है वे। क्रॉस हेयर अगर आपका बेसिकली हेड पे रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि आपका जो क्रॉस हेयर है वो विदाउट स्कोपिन भी आप सही से यूज़ कर पाए। आप देखिए, पास में अगर आप स्कोपिन कर देंगे तो यही होगा जो मेरे साथ अभी हुआ। तो क्लोज फाइट में अवॉइड कीजिए स्कोपिंग करना, मिड रेंज फाइट में आप कर सकते हैं स्कोपिंग। सो देगा, स्कोपिंग करना काफ़ी भारी रहता है। 1v1 में अगर आप स्कोपिंग ना ही करें तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। चले फिर से। देख सकते हैं, अगर आप हेड पे रखोगे तो आपका बहुत ही बढ़िया से एम होगा, एंड नो डाउट आपको एडवांटेज रहेगा इस चीज़ का। यहाँ पे मैं 1v1 में ऑलमोस्ट कभी भी स्कोप ही नहीं करता हूँ। इससे आपका एक तो जो 1v1 है या फिर 2v1 में आपका एम बहुत सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्कोपिंग करने में लग गए तो बहुत ज़्यादा चांस है। एंड यहाँ पर बेमतलब कि आपको लेटना भी नहीं है। अगर इन केस अगर आप लेटते हो चलती फाइट के बीच में तो आपके लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपका एनिमी फ्रीली मूव कर पा रहा है। ओपी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा नेट गया है सामने। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैं स्कोपिन जल्दी हटा दिया। ओके, सो अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कंटिन्यूसली आप डोमिनेट कर सकते हैं। पोजीशनिंग गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको टीडीएम या कुछ भी मैच खेलना है। पोजीशन चेंज करते रहिए जिससे आपके एनिमी को आइडिया नहीं रहेगा कि आप किधर से आ रहे हो।
यहाँ पर थोड़ा सा हाथ मेरा ज्यादा घूम गया। ओके आपको किल्स के लिए ये काउंट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना डैमेज दिया है। तो यहाँ पर भी हम फुल ऑन डोमिनेट कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं है, एकदम से राइट में आ गया, कभी भी हो जाता है। अभी मुझे पता है ये लेफ्ट में है। तो आप देख रहे हो कि विदाउट स्कोप इनके आप मच बेटर फाइट ले पाएंगे 1v1। तो हमेशा अवॉइड कीजिए स्कोप इन करना। आई नो कई प्रो प्लेयर्स आप बोलते होंगे कि स्कोप इन करने से काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप हेड पे एम रखेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए भी। यहाँ पर हालत खराब कर रखी है फिलहाल सैम की। ओके, तो इसने भी हेड पे दिया। स्टिल मतलब अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे, खैर स्टार्टिंग में मैंने 3-4 बार दिखाने के हिसाब से मैं मर गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सर्वाइव कर लेंगे। एंड ये एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री फायर। अब जैसा देखा आपने, अभी मैं घुस गया पर सैम ने फ्री फायर कर रखा था, तो फ्री फायर में मत घुसें, अवॉइड करें। अगर आप फ्री फायर के अंदर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए भी, तो अवॉइड कीजिए फ्री फायर में आना। ओके, यहाँ पर सैम वापस कम बैक कर रहा है, बस चल अपने लीड बहुत ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एक राइट मोमेंट ग्रैब करना है गाइस, अगर वो राइट पॉइंट आप ग्रैब कर लेते हैं तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए उस बंदे को मारना। क्योंकि अगर आप वो ऑलरेडी रेडी है एंड फिर उस पर एम करोगे या कुछ भी, तो आपके चांसेस कम रहते हैं।
इसी के साथ गाइस अपन जीत चुके हैं, पर स्टिल काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, क्राउच एंड फायर एंड वो चीज़ें भी। तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा वीडियो, एंड आप ही पास भी अगर कोई अलग से बताने के लिए है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सब्सक्राइब कर देना है। बाय।